पिछले आधे घंटे से यहाँ बैठ कर मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैं बोलूँ क्या। जिस वजह से तू ये वीडियो बना रहा है वो बोल, तू कौन है? मुझे भूल भी गया, मैं तेरे अंदर का आर्टिस्ट हूँ। याद आया कुछ आर्टिस्ट? वो तो ठीक है, लेकिन तू बाहर क्या कर रहा है? तेरी वीडियो को इंटरेस्टिंग बना रहा तो तू क्या कहना चाह रहा है? मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं होती? अरे भाई मैं तुझे कुछ क्यों बोलूँगा, आई एम अ पार्ट ऑफ यू। भूल गया? पार्ट ऑफ मी के बच्चे पिछले एक साल से कहाँ गायब हो तू? अब मैं व्लॉग्स बनाने लग गया तो तू वापस आ गया। अरे भाई गुस्सा क्यों कर रहा है, छुट्टियों पे गया था। पता है तेरा मूड किस तरह अच्छा होगा? ये देख तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ, ले पकड़। अरे भाई इसकी क्या ज़रूरत थी, आई कैन अंडरस्टैंड। तू वेकेशन पे चला गया, कौन सी बड़ी बात है? मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाएगा अपनी ऑडियंस से? ओह हाँ, ये मेरे अंदर का आर्टिस्ट है जो ये सारी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाता है। तू इस तरह कर, तू सबको अपना इंट्रो दे दे। हेलो, और क्या बोलूँ, और क्या बोलूँ, तू अपना इंट्रो दे। क्या कर रहे हैं, वीडियो चल रही है? नहीं 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 यार, तू ही बात कर, मुझे फेम में पसंद नहीं है, तुझे पता है ना। ले अच्छा ठीक है जी, तो ये था मेरे अंदर का कैमरा कॉन्शियस आर्टिस्ट। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये बताना है आप लोगों को कि मेरे अंदर का आर्टिस्ट वापस आ गया है और अब आपको मेरे चैनल पे मेरी आर्ट वीडियोस भी मिला करेंगी। तो जल्द ही मैं आर्ट वीडियोस भी बनाऊंगा और साथ मेरे व्लॉग्स चल ही रहे हैं, और साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपनी स्केच बुक्स। तो स्केच बुक दिखाने का मकसद ये है कि उसमें मैं आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाना चाह रहा हूँ कि एक महीने में मैंने 3 स्केच बुक्स बनाई हैं। तो उन 3 स्केच बुक्स में आप ये देखेंगे कि मेरी आर्ट डे बाई डे किस तरह इम्प्रूव हुई और किस तरह मैं कैनवसेस पे आया। पहले मैंने स्केचबुक से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं कैनवस पे आया था। तो पहली जो स्केचबुक आप देखेंगे वो है मेरी स्टार्ट की स्केचबुक, जो सेकंड वाली है वो उसके बाद की है, और तीसरी उसके बाद की है। आपको दिखाता हूँ अपनी स्केचबुक्स।